नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं सूरज कुमार पटेल आज आप लोगों को कोशिका के बारे में बताऊंगा। तो कोशिका के बारे में हम लोग पिछले दो वीडियो में देख चुके हैं कि सबसे पहले खोज किस प्रकार से हुई और उसके नामकरण, उसके सिद्धांत, सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका और फिर प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में हम लोग देख लिए। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कोशिका के अंग देख रहे थे, तो हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक में देखा था। तो हम लोगों ने कोशिका के दो प्रकार देखे थे, एक प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में ऐसे जीव को रखा गया है जिसको हम लोग देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होता है, जो हमारे खुली आंखों से नहीं दिखता है, उसको प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत रखा गया है। इसमें जिसमें हम लोग देख चुके हैं जैसे बैक्टीरिया, वायरस, नीलहरित शैवाल, ये सब क्या है, प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आते हैं। अब उसके बाद में फिर दूसरा है, इसके प्रकार हैं यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में है जितने भी बड़े बड़े जीव होते हैं, बड़े लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको यूकैरियोटिक के अंतर्गत रखा गया है। और यूकैरियोटिक को दो भागों में फिर से बांटा गया है, एक है पादप कोशिका और दूसरी जंतु कोशिका। पादप कोशिका के अंतर्गत हम लोग सभी हरे पेड़ पौधों को रखते हैं इसके अंतर्गत। और इसमें जैसे एग्जांपल देखते हैं तो जामुन के पेड़ हो गया और आम के पेड़ हो गए, बहुत सारे इसमें हरे पेड़ पौधे जितने भी हम लोग देखते हैं किसके अंतर्गत हैं, पादप कोशिका के अंतर्गत आते हैं। और जंतु कोशिका के अंतर्गत वे सभी जीव जंतु जो लोग चल फिर सकते हैं उसको जंतु कोशिका के अंतर्गत रखा गया है। तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका के हम लोग बारे में इतना कुछ जान लिए, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के बारे में जान लिए। तो अब हम लोग देखते हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका के अंग कौन कौन से होते हैं। तो हम लोगों ने देख लिया था कोई सा भी घर में बाहर में क्या होता है, एक वांड्री वाल होता है, उसी प्रकार से प्रत्येक कोशिका में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। और जिसमें ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत होता है उसमें क्या होता है, सेल वाल होता है। जो पादप कोशिका होता है और जंतु कोशिका होता है, दोनों में सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। अब उसके बाद में फिर देखते हैं दूसरा, हम लोग देखे थे कि रसधानी, इसी को ही क्या बोला जाता है, वैक्यूल बोला जाता है। इसमें जो पादप कोशिका होता है उसमें रसधानी 90% तक होता है, मतलब एक कोशिका में इसकी यदि एरिया को देखा जाए तो 90% होता है। और उसके बाद में फिर हम लोग देखे उसमें एक केंद्रक होता है और केंद्रक के अंदर में फिर केंद्रिका होता है। इसके आगे देखते हैं हम लोग कि केंद्रक के अंदर में बहुत सारे धागेनुमा संरचना पाया जाता है और यही धागेनुमा संरचना को ही क्रोमेटिन बोला जाता है। और क्रोमेटिन ही क्या होता है, बाद में जब सेल डिवीजन के समय या कोशिका विभाजन के समय यह क्रोमेटिन क्या कहलाता है, क्रोमोसोम कहलाता है। और इसी क्रोमोसोम में ही बहुत सारे डीएनए होते हैं और यही डीएनए ही पेरेंट से फिर डॉटर सेल में जाता है और उसके गुणों को प्रदर्शित करता है। केंद्रक के ऊपर में बहुत सारे फीते नुमा संरचना पाया जाता है और यह संरचना एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। कैसा रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। इसमें फीते के समान या फिर रिबन के समान इसमें संरचना होता है और यह कैसा होता है, यह एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं। इसी को ही क्या कहा जाता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर हिंदी में इसी को ही क्या कहा जाता है, अंतःप्रद्रव्यीय जालिका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसी फीते नुमा संरचना या रिबन के समान जो संरचना होता है उसी को क्या कहा जाता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके पहले हम लोग देखते हैं, इसको समझने से पहले थोड़ा सा देखते हैं और आगे। केंद्रक के अंदर में राइबोसोम का निर्माण होता है और राइबोसोम जब बाहर आता है केंद्रक से बाहर, तो यहाँ बहुत सारा इसमें लिक्विड भरा हुआ रहता है, और वह तैरते रहता है उसमें। तो ये क्या होता है, जो राइबोसोम उसको एक स्थान चाहिए रहता है रुकने के लिए या फिर ठहरने के लिए, तो वह काम कौन करता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बहुत सारे फिर इसमें कड़ के समान इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं, इसमें जो चिपक जाता है। उसके बाद फिर इसमें देखते हैं हमको कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जहाँ राइबोसोम जुड़ जाता है उसको क्या बोला जाता है, खुरदुरी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और जिसमें राइबोसोम नहीं होता है उसको क्या बोला जाता है, चिकना या फिर चिकनी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये इसको इंग्लिश में बोलते हैं रफ और इसको बोलते हैं स्मूथ। तो जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसमें राइबोसोम पाया जाता है, वह राइबोसोम क्या करता है,
प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है। ये क्या काम करता है? प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है, प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है। और जो चिकनी वाला होता है या जो स्मूथ होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वह फैट या फिर वसा का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? वसा का निर्माण करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हम लोग और आगे देखेंगे, अब यहाँ केवल संरचना बस समझ जाते हैं। उसके बाद में फिर इसमें और देखते हैं हम लोग सारे, इसमें माइटोकांड्रिया होता है। और माइटोकांड्रिया कैसा होता है? दोहरी झिल्ली का होता है और उसमें बहुत सारे उभार होते हैं जिसको क्रिस्टी बोला जाता है। हम लोग और आगे देखेंगे, इस खोज किसने किया था, केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। अभी केवल इसको केवल बस दिमाग में मैप बना रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं? माइटोकांड्रिया बोलते हैं। पादप कोशिका में होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट यह हरे रंग का होता है और क्लोरोप्लास्ट इसलिए हरे रंग का होता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। इसके बारे में भी आके देखेंगे हम लोग, अभी बस इतने ही देख लेते हैं। इसमें एक होता लाइसोसोम, लाइसोसोम, लाइसोसोम होता है। जो लाइसोसोम होता है यह पूरे कोशिका का, यह लाइसोसोम होता है जो कोशिका के इसका मैनेजमेंट का कार्य करता है। मैनेजमेंट कार्य करता है, कहने का मतलब ये है कि यह जो कार्य कर रहा है उसको, कि जो कार्य नहीं कर रहा है उसको हटाने का कार्य करता है। क्योंकि लाइसोसोम में इसमें एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है जो कोशिका के इनमें जो अंग है और जो कार्य नहीं कर रहा है उसको बुलाता है और बोलता है कि भाई तो इधर आ, काम क्यों नहीं कर रहा है, या फिर ठीक से काम क्यों नहीं कर रहा है बोल के। तो जो अंग होता है वो बोलता है कि भाई मैं कार्य नहीं कर पाऊँगा, मैं ऐसा काम नहीं कर पाऊँगा जो कर रहा हूँ। तो ये लाइसोसोम के उस अंग को क्या करता है? उसको ए ले बोलता है। उसमें क्या करता है? जो हाइड्रोलॉजिक एंजाइम होता है उसको क्या करता है? उसको उसमें डाल देता है और वो पूरा ख़त्म हो जाता है। जो भी अंग जाए इसके पास वो क्या करता है? उसको चला देने का कार्य करता है लाइसोसोम। इसमें क्या होता है इसके बारे में और आगे भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, अब लगभग इतना हम लोग देख लिए, अब इसके आगे देखते हैं सभी अंगों को हम लोग देखते हैं। हाँ, इसमें और एक बताना चाहूँगा मैं कि जो इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है वह जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। कॉमन सी बात है, इसमें जो क्लोरोप्लास्ट है वह जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। यदि जंतु कोशिका में पाया जाता तो हम लोग को इतना सारा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं होता, हम लोग खुद खाना बना लेते। खुद खाना कब बना लेते? मतलब जो घर में चावल से खाना बनाते हैं वो वाला नहीं, हम लोग सेल्फ मतलब शरीर से ही, जैसे पेड़ पौधे स्थिर रहते हैं किस स्थान पर, सूर्य प्रकाश आता है और उसमें से फिर खाना बना लेते हैं, वैसे ही हम लोग भी सूर्य प्रकाश में खड़े रहते और फिर हम लोग का खाना बन जाता यदि हम लोग के पास क्लोरोप्लास्ट होता तो। लेकिन हम लोग के पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है, भगवान ऐसा नहीं दिए हैं हम लोग के, इसलिए हम लोग को दूसरे वस्तु पर हम लोग का खाना डिपेंड रहते हैं। इसमें देखते हैं हम लोग रसधानी। रसधानी यह जंतु कोशिका में छोटा छोटा होता है और बहुत सारा होता है। और क्लोरोप्लास्ट इसमें क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। तो मुख्य रूप से हम लोग इतना अंतर देख ले, अंतर देखने के लिए तो बहुत सारा है इसमें, लेकिन हम लोग एग्जाम पर्पज से इतना इम्पॉर्टेंट है। इसके आगे हम लोग देखते हैं प्रत्येक कोशिका के बारे में डिटेल में देखते हैं। आगे बढ़ने से हम लोग पहले देखते हैं कि कोशिका के जो अंग हैं वह कौन सा अंग कौन सा कार्य करता है, इसको हम लोग डेली जीवन से किस प्रकार से रिलेट करके याद कर सकते हैं, कौन क्या खोज किया है इसके बारे में देखेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं घर के बाहर में क्या होता है? एक बाउंड्री वाल होता है। तो जो बाउंड्री होता है कौन होता है? सेल में, सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। बाउंड्री कौन होता है? सेल मेम्ब्रेन होता है। तो बाउंड्री होता है, बाउंड्री जो सेल मेम्ब्रेन है यह बाउंड्री क्या कार्य करता है? जैसे उसमें आप लोग देखे होंगे दरवाज़ा होता है बाउंड्री, एक घर से बाहर निकलने के लिए, एक पीछे निकलने के लिए, एक और निकलने के लिए, ऐसा रहता है। तो इसमें क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन, यह कोशिका में सेल मेम्ब्रेन एक बाउंड्री का कार्य करता है, उसको सबको एक साथ में रखने का कार्य करता है, पूरा घर को घेरे रखने का कार्य करता है, उसकी सुरक्षा प्रदान करता है और एक निश्चित आकृति प्रदान करता है। तो ठीक उसी प्रकार से कोशिका में क्या होता है? यह सेमी परमिएबल होता है। सेमी परमिएबल कहने का मतलब कि कुछ पदार्थों को अंदर आने देता है और कुछ पदार्थों को अंदर से फिर बाहर जाने देता है। तो ये क्या होता है? बाउंड्री वाल होता है। ठीक है, उसके बाद में फिर हम लोग अंदर देखते हैं तो घर में एक कौन होता है? एक मुखिया होता है। मुखिया कौन होता है? केंद्रक। मुखिया होता है केंद्रक। और केंद्रक
मुखिया का काम क्या होता है कि मुखिया का काम क्या होता है घर में, कि कौन कौन सा काम करेगा, कौन सा कौन खाना बनाएगा, कौन क्या करेगा, कौन दाल बनाएगा, झाड़ू मारेगा, कौन पोछा मारेगा, इसके बारे में बताने का कार्य कौन करता है, केंद्रक करता है, मतलब मुखिया करता है। तो मुखिया कौन होता है, केंद्रक होता है। केंद्रक होता है जो कोशिका के सभी अंगों को कौन किस प्रकार से कार्य करेगा, इसका संचालन करने का कार्य कौन करता है, केंद्रक करता है। आगे देखते हैं, घर में एक चावल बनाने वाला होता है या कुक करने का कार्य कौन करता है, माइटोकांड्रिया होता है, यह ATP निर्माण का कार्य करता है। और केंद्रक क्या करता है, संचालन का कार्य करता है, केंद्रक संचालन का कार्य करता है और ATP माइटोकांड्रिया करता है। उसके बाद में फिर दाल, घर में दाल बनाने वाला एक होते हैं, तो दाल मतलब प्रोटीन, प्रोटीन बनाने का कार्य कौन करता है, राइबोसोम का करता है, प्रोटीन बनाने का कार्य करता है, प्रोटीन बनाने का कार्य करता है। आगे देखते हैं, ये दोनों को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने का कार्य, ये जो प्रोडक्ट बनाए हैं ATP और प्रोटीन, इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने का कार्य कौन करता है, यह पहुंचाने का कार्य करता है कौन करता है, गॉल्जी बॉडी करता है। यह क्या काम करता है, परिवहन का कार्य करता है। कहने का मतलब है कि गॉल्जी बॉडी कोशिका में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ATP को पहुंचाने का कार्य या परिवहन का कार्य गॉल्जी बॉडी करता है। चावल हो गया, दाल हो गया, तो खाने पीने का सामान हो गया, उसके खाने का सामान हो गया तो पीने का भी तो सामान होना चाहिए, उसके लिए क्या होता है, एक पानी टंकी होता है। पानी टंकी का कार्य कौन करता है, वैक्यूल या फिर रसधानी करता है, या फिर इसी को ही क्या बोलते हैं, वैक्यूल बोला जाता है। और यह कार्य क्या करता है, पानी संग्रहण का कार्य करता है। एक होता है जो कार्य कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उसको देखने के लिए एक होता है, एक गार्ड होता है, देखने का कार्य करता है कि कौन कार्य कर रहे हैं कौन कार्य नहीं करता है, मतलब लाइसोसोम। यह क्या काम करता है, लाइसोसोम कोशिका में देखता है कि कौन कार्य कर रहा है कौन कार्य नहीं कर रहा है, इसके बारे में कौन देखता है, लाइसोसोम देखता है। यह क्या काम करता है, हाइड्रोलॉजिक एंजाइम होता है, पाचन करने के लिए होता है। हम लोग इस प्रकार से देख लिए कि जो बाउंड्री वाल कोशिका में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, और यदि एक्स्ट्रा बाउंड्री वाल की जरूरत होता है उसमें, जैसे पौधों में हो गया उसमें सेल वाल पाया जाता है, और जंतुओं में एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं होता है, सेल मेम्ब्रेन से ही काम चल जाता है। उसके बाद में केंद्रक देखते हैं, केंद्रक यह पूरे जैसे घर में मुखिया होता है ठीक उसी प्रकार से केंद्रक होता है जो पूरे घर का संचालन करता है, उसी प्रकार से जो केंद्रक होता है यह पूरा कोशिका का संचालन करता है, और जो माइटोकांड्रिया होता है वह ATP फॉर्मेशन का काम करता है। घर में जैसे कोई चावल बनाता है उसका काम कौन करता है, माइटोकांड्रिया कोशिका में करता है, और राइबोसोम यह प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है, और गॉल्जी बॉडी यह परिवहन का कार्य करता है, और रसधानी पानी संग्रहण का कार्य करता है, रसधानी या इसी को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वैक्यूल बोला जाता है, मतलब पानी टंकी, और लाइसोसोम यह गार्ड का कार्य करता है, जो कार्य कर रहा है कौन कार्य नहीं कर रहा है इसके बारे में देखने का कार्य कौन, लाइसोसोम। मैं तो ऐसा याद किया हूँ, आप लोग भी ऐसे ही याद कर लीजिए जिससे आप लोगों को याद करने में हेल्प होगी। तो चलिए देखते हैं सभी कोशिका अंगों का डिटेल में। सेल वाल के बारे में देखते हैं, यह पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो पादप कोशिका में यह सेलुलोज का बना होता है, बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकान का बना होता है, कवक में ग्लूकोसेमिन का बना होता है, और फिर शैवाल में ग्लाइकोप्रोटीन एवं पॉलीसेक्राइड का बना होता है। पादप कोशिका सेलुलोज से बना होता है, और पादप से ही हम लोगों को कॉटन मिलता है, और कॉटन से ही कपड़ा बनाया जाता है। तो जो कपड़ा है किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। और देखते हैं हम लोग जो कागज है, कागज भी किससे बना होता है, पेड़ से बना होता है, इसलिए पेड़ से बना है मतलब वो कागज है, वो क्या होता है, सेलुलोज होता है। कागज से ही क्या बनाता है, पैसा बनाया जाता है, तो पैसा भी क्या है सेलुलोज है। तो सेलुलोज के बारे में हम लोग इतने जान गए। अब उसके बाद में सेल वाल का कार्य क्या होता है, कोशिका को एक निश्चित आकृति प्रदान करता है और सुरक्षा का भी कार्य करता है। सुरक्षा का कार्य करने का मतलब ये है कि कोशिका के अंदर में जितने भी और पार्ट्स हैं या फिर उसके अंग हैं उसको सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है सेल वाल करता है। लोग सेल मेम्ब्रेन
यह पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। पादप और जंतु दोनों कोशिका में सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, और सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का बना होता है, कार्बोहाइड्रेट, और यह सेमी परमिएबल होता है। सेमी परमिएबल इसको यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सेमी से और परमिएबल। परमिएबल कहने का मतलब होता है पारगम्य, ऐसे को कहा जाता है जिसमें वस्तुएं एक दूसरे से आर पार जा सकती हैं। सेमी कहने का मतलब आधा, मतलब जैसे हम लोग देखते हैं कि सेमी फाइनल होता है, क्रिकेट विकेट में देखते हैं सेमी फाइनल बोलते हैं, तो फाइनल नहीं है, मतलब सेमी फाइनल मतलब आधा वाला। तो इसमें भी आधा परमिएबल कहने का मतलब ये है कि कुछ वस्तुओं को यह अंदर आने देता है और कुछ वस्तुओं को बाहर जाने देता है। तो जो सेल मेम्ब्रेन होता है यह कोशिका के अंदर कुछ वस्तुओं को आने देता है और कुछ वस्तुओं को जाने देता है, मतलब सेलेक्टेड को ही अंदर से बाहर और बाहर से फिर अंदर होने देता है। कौन? सेल मेम्ब्रेन। 1972 ईस्वी में सिंगर एवं निकोलसन के द्वारा मॉडल दिया गया 1972 में मॉडल दिया गया। इनके कहने का मतलब ये था कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है वह लिपिड का बना होता है, और लिपिड में ही बहुत सारे जो प्रोटीन होते हैं वह क्या होते हैं, कभी डूबते हैं कभी निकलते हैं। तो इसमें हम लोग एग्जाम पर्पस से ये इम्पॉर्टेंट है कि जो सेल मेम्ब्रेन का उसका जो स्ट्रक्चर है उसका मॉडल किसने दिया था, सिंगर और निकोलसन के द्वारा 1972 में दिया गया था। इसमें थोड़ा सा बता देता हूँ मैं, इस प्रकार से यह लिपिड का बना हुआ होता है, यह लिपिड का होता है और इसमें बहुत सारे प्रोटीन के जो कण होते हैं इसमें कभी डूबते हैं कभी निकलते हैं, ऐसा दिखाई देता है, लेकिन वो क्या होते हैं, स्थिर रहते हैं। तो इससे पता चल जाता है, यही सिद्धांत इन्होंने सिंगर और निकोलसन के द्वारा दिया। इसको एक बार फिर से समझते हैं हम लोग कि जो सेल मेम्ब्रेन का मॉडल सिंगर और निकोलसन के द्वारा 1972 ईस्वी में दिया गया था, इनके कहने का मतलब ये था कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है वह दोहरी आवरण का बना हुआ होता है, और इसमें बहुत सारा यह लिपिड का बना हुआ होता है, और इसमें बहुत सारे ऐसे लिपिड से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, और इसमें जो प्रोटीन होता है वह क्या करता है, इसमें कभी डूबता है कभी निकलता है, मतलब इसमें बहुत सारे प्रोटीन इस प्रकार से रहता है, इसमें बहुत सारे प्रोटीन इसमें लगा हुआ रहता है। मतलब इस मॉडल के बारे में थोड़ा सा हम लोग एग्जाम पर्पस से सेल मेम्ब्रेन के बारे में इतना ही बहुत है। तो चलिए हम लोग देखते हैं माइटोकांड्रिया की खोज आल्टमैन के द्वारा किया गया था। नामकरण देखते हैं, तो इसमें नामकरण किया था इसका बेंडा के द्वारा नामकरण किया गया, और खोज किसने किया था, आल्टमैन ने किया था माइटोकांड्रिया की। तो माइटोकांड्रिया के सबसे पहले यह देखते हैं हम लोग, माइटोकांड्रिया कैसा होता है, गोलाकार होता है, और यह दोहरी झिल्लियों का बना होता है। एक झिल्ली ये हो गया, दूसरा झिल्ली मैं बनाता हूँ, ये देखिए माइटोकांड्रिया दोहरी झिल्ली का बना हुआ होता है, एक देखिए बाहर में होता है और एक अंदर में। तो इसको क्या बोला जाता है, जो बाहरी उभार उंगली के समान जो संरचना होता है या उभरा हुआ संरचना होता है उसको बोला जाता है क्रिस्टी। और इसमें बहुत सारे फिर इसमें क्या होता है, डीएनए आरएनए पाया जाता है। इसमें राइबोसोम होता है, यह 70S का होता है। 70S हम लोग जान गए हैं, प्रोक्रियाटिक में 70S होता है और यूकेरियोटिक में 80S होता है, लेकिन यह माइटोकांड्रिया पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। और यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि जो माइटोकांड्रिया है उसका खुद का क्या है, राइबोसोम है, वह खुद प्रोटीन निर्माण का कार्य कर सकता है। लेकिन यहाँ हम लोग देखते हैं कि जो माइटोकांड्रिया है वह क्या करता है, एटीपी का निर्माण कार्य करता है। हम लोग देखते हैं कि राइबोसोम में 70S पाया जाता है, इसलिए बोला जाता है कि यूकेरियोटिक सेल में प्रोकैरियोटिक सेल बोला जाता है। किसको? माइटोकांड्रिया को बोला जाता है। क्या बोला जाता है? राइबोसोम 70S होने के कारण ही इसको यूकेरियोटिक सेल में
प्रोकैरियोटिक सेल कहा जाता है। और एक मतलब ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इसमें 70S राइबोसोम पाया जाता है और यह क्या करता है, एटीपी निर्माण का कार्य करता है। और इसका खुद का क्या होता है, डीएनए आरएनए होता है। डीएनए आरएनए है मतलब यह क्या करता है, खुद रेप्लिकेट हो सकता है, यह सेल्फ डिपेंडेंट रहता है। और यह माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, एटीपी निर्माण का कार्य करता है। तो चलिए आगे देखते हैं गॉल्जी बॉडी। गॉल्जी बॉडी का खोज किसने किया था, कैमिलो गॉल्जी के द्वारा किया गया था 1898 ईस्वी में किया गया था। और इसे क्या कहा जाता है, कोशिका का यातायात प्रबंधन कार्य करता है। या तो कहने का मतलब ये है कि यह माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया से हम लोग अभी देखे हैं एटीपी का निर्माण होता है और राइबोसोम से प्रोटीन का निर्माण होता है। राइबोसोम अभी नहीं पढ़ पाए हैं, राइबोसोम आगे पढ़ेंगे हम लोग, पहले गॉल्जी बॉडी देख लेते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया से एटीपी का निर्माण होता है और राइबोसोम से प्रोटीन का निर्माण होता है। ये दोनों को पैकेट के रूप में करके यह दूसरे जरूरतमंद अंगों तक पहुंचाता है। गॉल्जी बॉडी के कार्य को हम लोग इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि जैसे घर में बहुत सारे कमरे हैं और कमरे में प्रत्येक कमरे में एक व्यक्ति हैं और उन व्यक्तियों को खाना पहुंचाना है। खाना किचन में बन चुका है, तो जो खाना बन चुका है उसको पहुंचाने का कार्य और थाली में परोसने का कार्य और उसको थाली में सजाने का कार्य गॉल्जी बॉडी करता है और प्रत्येक कमरे तक पहुँचाने का कार्य गॉल्जी बॉडी करता है। तो ठीक इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं यहाँ कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा एटीपी का और राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है। इसको पैकेट के रूप में बांधने का कार्य और जरूरतमंद मतलब जहां जरूरत होता है वहां पहुंचाने का कार्य गॉल्जी बॉडी करता है। जैसे हम लोग दौड़ते हैं तो पैर को ज़्यादा जरूरत होता है और हाथ को ज़्यादा जरूरत होता है एनर्जी की, तो वहां पहुंचाने का कार्य कौन करता है, गॉल्जी बॉडी करता है। इसलिए हम लोग जब देखते हैं, जब हम लोग थकते हैं तो सब एक ही साथ थक जाते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे हम लोग दौड़ते हैं, दौड़ते मतलब थक जाते हैं, तो थकते हैं तो हम लोग ऐसा नहीं होता केवल कि पैर बस थक जाए, थकते हैं तो पूरा शरीर थक जाता है, क्योंकि जो प्रबंधन कार्य कौन करता है, गॉल्जी बॉडी करता है। मतलब एक स्थान से जहाँ एनर्जी बन रहा है वहाँ से ले जाके जहाँ ज़रूरत है वहाँ पहुँचाने का कार्य, जरूरत तक अंगों तक पहुँचाने का कार्य करता है, गॉल्जी बॉडी करता है। इसलिए आप लोग देखे होंगे कि जैसे हम लोग थकते हैं तो पूरा शरीर ही थक जाता है, ऐसा नहीं है कि पैर जब दौड़ रहा है तो पैर ही बस थके, हाँ पूरा शरीर ही थक जाता है। तो यहाँ गॉल्जी बॉडी क्या करता है, यह एनर्जी को एक स्थान से दूसरे स्थान या फिर एटीपी और प्रोटीन को पैकेट के रूप में करता है और उसको फिर पहुंचाने का कार्य करता है। तो यहाँ एक बार फिर से हम लोग देखते हैं कि जो गॉल्जी बॉडी होता है इसकी खोज कैमिलो गॉल्जी के द्वारा 1898 ईस्वी में किया गया था और यह यातायात प्रबंधन का कार्य करता है और यह माइटोकॉन्ड्रिया से एटीपी का और राइबोसोम से प्रोटीन को लेकर जो गॉल्जी बॉडी होता है जरूरतमंद स्थानों तक पहुँचाने का कार्य करता है। इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके और बचे हुए कोशिका के अंगों के बारे में देखेंगे। यदि इनमें से आप लोगों को जो मैं वीडियो बनाया हूँ उसमें से आप लोगों को जो भी डाउट हो उसको कमेंट में जाके कर सकते हैं और आप लोगों को मेरे कमियों या फिर अच्छाइयों के बारे में, दोनों बारे में हम लोग कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं जिससे मैं उसको दूर करने की कोशिश करूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप लोगों को इसमें कुछ हेल्प हुआ है ऐसा लगता है आप लोगों को, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।